स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमको सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है ये कैलकुलेट करना है, और एक डिफरेंट टर्म यहाँ पे बोला है कि इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे कितना बेंडिंग स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, सो फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो हमको कैलकुलेट करने बोला है, बेंडिंग स्ट्रेस एट 25 mm बिलो फ्रॉम द टॉप एज। तो टॉप एज से 25 mm बिलो पे हमको कितना बेंडिंग स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देन गिवन कंडीशन क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसकी विड्थ जो है वो 80 mm है और डेप्थ जो है वो 200 mm दिया हुआ है हमको। ठीक है, इफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, देखो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है 4 kN/m। ठीक है, तो यहां पर गिवन देख लेते क्या क्या है। सबसे पहले बी दिया है हमको, बी है 80 mm बी दिया है। ठीक है, देन उसके बाद में डेप्थ मतलब कि डी दिया है हमको 200 mm, देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट दिया है मतलब कि एम दिया हुआ है, एम है हमारा 4 kN/m। ठीक है, डायग्राम निकाल लेते हैं इसका, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन निकाल लेंगे पहले, रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो इसकी विड्थ जो है वो है हमारी 80 mm विड्थ है इसका, और इसकी डेप्थ जो है वो है हमारी 200 mm। डेप्थ ले लेते ये साइड में 200 mm। ठीक है, इसका न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से जाएगा, तो सेंटर से जाने के बाद में ये हो जाएगा YCYT सेम रहेगा 100 100 का। ठीक है, और इसका कुछ ऐसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा। ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दोनों साइड में। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 100 आ जाएगा, 100 mm न्यूट्रल एक्सिस से, और ये भी हमारा 100 ही रहेगा, 100 mm। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला क्या है इसने, इसने बोला है कि बेंडिंग स्ट्रेस एट 25 mm बिलो द टॉप एज ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इससे 25 mm बिलो यहाँ पर, ठीक है, 25 mm बिलो मतलब ये टॉप एज से 25 mm नीचे पे। ठीक है, यहाँ पे कितना स्ट्रेस आ रहा ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब ये लेयर पे कितना स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, इसको सिग्मा वन ले लेते हैं, तो ये सिग्मा वन हमको कैलकुलेट करना है कितना है। उसके पहले ये जो है ये सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सिग्मा बी कितना आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सिग्मा वन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर ये 100 है, टोटल 100 है, करेक्ट, ये टोटल 100 है हमारा और ये 25 है। ठीक है, ये 100 है टोटल और ये 25 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया फिर हमारा, अगर ये डिस्टेंस हमको निकालना है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 25। ठीक है, 100 माइनस 25, तो ये आ गया हमारा 75 mm। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा 75 mm। ठीक है, तो ये 75 mm आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 75 mm आ गया ये। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, ये डायग्राम आए समझ गया होगा। देन इसके बाद में क्या करते हैं, स्टेप नंबर वन ले लेते हैं इसमें, तो वही स्टेप फॉलो करते हैं जो स्टेप हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर वन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये हमको गिवन है। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू 4 kN/m, ये गिवन है हमको। ठीक है, 4 kN/m मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इसको क्या करते हैं न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो m हो जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू 4 × 10⁶ Nm। ठीक है, तो यहाँ से m हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया स्टेप नंबर वन में। ठीक है, देन स्टेप नंबर टू ले लेते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर टू, तो स्टेप नंबर टू में अब तक हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम निकालते हैं वहाँ पर IXX। ठीक है, तो स्टेप नंबर टू ले लेते हैं, स्टेप नंबर टू, तो स्टेप नंबर टू में निकाल लेंगे IXX कितना है। ठीक है, तो IXX रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फार्मूला BD³/12। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी है हमारी, तो वह है 80 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू है 200 क्यूब डिवाइडेड बाय 12।
ठीक है, तो यहाँ से आई एक्स एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाई 200 क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो आता है हमारा 53.33 इंटू 10 टू पावर 6, 53.33 इंटू 10 टू पावर 6 mm रेस टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आई एक्स एक्स यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला है बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, वहाँ पुटअप कर लिया और आई एक्स एक्स की वैल्यू जो है वहाँ से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। देन स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 3 इसमें हम लोग y निकालते हैं, y कितना रहता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, y कितना हो जाएगा, तो जितनी डेप्थ डी है डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो डेप्थ कितना है इसका, 200 है, 200 डिवाइडेड बाई 2, सो y की वैल्यू मिल गई हमको, वो आ गया 100 mm, ठीक है। तो y हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारा 100 mm, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन ले लेंगे, तो स्टेप नंबर 4 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन बोलिए या फिर फ्लेक्सरल इक्वेशन बोलिए, ठीक है। तो वहाँ से हमको कैलकुलेट करना है बेंडिंग स्ट्रेस कितना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। फार्मूला क्या है, एम डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। यहाँ पुटअप कर देंगे आप, एम की वैल्यू तो आपने निकाल ली है, वो है 4 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है, वो पुटअप कर देंगे। तो एम की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू पावर 6, 4 इंटू 10 टू पावर 6 I की वैल्यू कितनी है, 53.33 इंटू 10 टू पावर 6, 53.33 इंटू 10 टू पावर 6 इज इक्वल टू, बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, y की वैल्यू है 100, ठीक है। तो यहाँ पुट अप कर देंगे और यहाँ से सिग्मा b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में सिग्मा b की वैल्यू जो आती है वो है 7.5, ठीक है। तो सिग्मा b आता है हमारा, सिग्मा b इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से सिग्मा बी वो है हमारा 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन अब देखो यहाँ से वेरिएशन है, अब यहाँ तक तो हम लोग अभी तक जो कैलकुलेट करते थे वो यहाँ तक कैलकुलेट करते थे, सिग्मा बी की वैल्यू निकालना है, एम बाय आई सिग्मा बी बाय वाई में पुटअप किए और यहाँ से वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा चेंजेस है, ठीक है, तो वो हमको देखना है स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 5 बिल्कुल इजी है, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल रूल लगाएंगे, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल रूल अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल रूल, सिमिलर ट्रायंगल रूल, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल रूल जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल रूल कहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन जो है सिग्मा बी, सिग्मा बी कितना है हमारा, सिग्मा बी 7.5 है, ठीक है। तो सिग्मा बी की वैल्यू निकाल ली आपने 7.5, ठीक है। तो इसको पहले बाहर निकाल लेता हूँ सिमिलर ट्रायंगल रूल के लिए, तो इसको सपोज थोड़ा और क्लियर हो जाए इसलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये सिंपल ऐसे कुछ ट्रायंगल है ये, ठीक है, और ये अब ये वैल्यू कितनी है, ये 7.5 है हमारी वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद में देखिए, उसके बाद ये सिग्मा भी 7.5 हो गया और ये टोटल कितना है डिस्टेंस, तो वो 100 है हमारा, ठीक है। तो ये 100 है, ये है 100। देन इसके बाद में ये वाला ले लेंगे, ये कितना है हमारा, तो ये है सिग्मा 1 लिया है इसको हमने कंसीडर, ठीक है। और ये डिस्टेंस ले लेंगे, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, तो ये है 75 mm, ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये 75 mm, ठीक है। तो ये वाला 75 mm है, ये 7.5 है, ये टोटल 100 है। देखो सिमिलर ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, पहले बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, तो ये पूरा ट्रायंगल कंसीडर किया, सपोज ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो अब देखो इसका विड्थ कितना है, ये 7.5 है, ठीक है। तो ऊपर ले लेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस कितना है, ये हमारा 100, ठीक है। तो 100 ले लिया इज इक्वल टू, अब छोटा वाला लेंगे ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल हम रेड से शो करते हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, ये देखना है इसका ऊपर का, ठीक है। तो वो कितना है, सिग्मा 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस देखो, ये वाले रेड वाले ट्रायंगल का, ठीक है। तो वो है 75, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा 1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में सिग्मा 1 की जो वैल्यू आती है हमारी, ठीक है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आती है, तो वो सिग्मा 1 है 5.625,
5.625 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिग्मा वन जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो सिग्मा वन यहाँ से कैलकुलेट किया, वो आ रहा हमारा 5.625 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो सिमिलर थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो चेंजेस थे। यहाँ पे क्या बोला था, बेंडिंग स्ट्रेस जो है 25 mm बिलो एट द टॉप एज पे हमको कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, 80 mm वाइड है, 200 mm डीप है, इफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 4 kN/m, ये हमको गिवन था। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रॉ कर लिया और उसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जो है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो जो टोटल डेप्थ दी हुई थी वो 200 dB थी, विड्थ जो है वो हमारा 80 mm का था। तो फ्रॉम द टॉप, ठीक है, 25 mm पे कितना बेंडिंग स्ट्रेस है वो हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, ये जैसे 200 है, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस 100 पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये 100 ले लिया, तो 100 ले लिया, देन उसके बाद में क्या किया, ये 25 है हमारे पास, तो 100 माइनस 25 किया, तो ये हमारा 75 आ गया। तो ये डिस्टेंस हमको मिल गया, 75 पे डिस्टेंस पे कितना बेंडिंग स्ट्रेस है वो हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो टॉप के ऊपर में ये हमको कैलकुलेट करना था। उसके लिए क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ले लिया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 4 kN/m, तो m इज इक्वल टू 4 × 10⁶ न्यूटन mm हो गया। देन उसके बाद में IXX, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसलिए फार्मूला BD³/12, यहाँ से IXX निकाल लिया, 53.33 × 10⁶ mm^4। ठीक है, देन उसके बाद में y कैलकुलेट करना है, तो ये 200 है डेप्थ, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो आ गया हमारा y इज इक्वल टू 100 mm। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 4, सिग्मा बी निकालना है, तो उसके लिए बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन m/i इज इक्वल टू σb/y, यहाँ पुटअप कर दिया और यहाँ से सिग्मा बी की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली, वो आ गया 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा की स्टेप ये वाली है हमारी, स्टेप नंबर 5, यहाँ पे क्या किया हमने, अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल रूल, सिमिलर ट्रायंगल रूल निकाला। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया हमने। ठीक है, ये टॉप जो है वो 7.5 है और इसके डेप्थ जो है वो 100 है, इसके डेप्थ जो है वो 75 है और ये सिग्मा 1 है। ठीक है, पहले ये ट्रायंगल कंसीडर किया, 7.5 इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन इज 100। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पहले लिया, 7.5 डिवाइडेड बाय वर्टिकल 100 इज इक्वल टू इसका हॉरिजॉन्टल दूसरे वाले ट्रायंगल का। ठीक है, तो सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 1 पुट अप कर दिया और इसकी डेप्थ ले ली वो है 75, 75 ले लिया और यहाँ से फिर बाद में सिग्मा 1 कैलकुलेट कर लिया, वो आ रहा हमारा 5.625 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा अगर इंटरमीडिएट सेक्शन पे हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए अगर बोलता है तो ये स्टेप फॉलो करके हम लोग जो है ये न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस वेरिएशन आपका, ये स्टेप तो ऑलरेडी हमने की है, जैसे स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 5 में थोड़ा चेंजेस है, बस सिमिलर ट्रायंगल रूल सिंपल लगाना है। ठीक है, और वहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इतने कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल अगर हमारा आता है तो।